नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम अलैकुम। मैं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो पिछले वीडियो में बहुत अच्छी रिस्पांस दिए आप सभी ने, प्यार बहुत दिए। सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखें। सो आने वाले दिन में भी ऐसे बेहतरीन अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वीडियो का अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। सो आज की वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करने वाली है, जो 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के भी वीडियो बहुत सारे हो चुके हैं हमारे। सो हम लोग बेसिकली 4 कंट्रीज के ऊपर रिएक्ट करते थे, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के। सो बहुत ही अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप सभी लोग मिले, तहे दिल से शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि यूट्यूब की जर्नी में हम इतना आगे आ जाएंगे। ये सब आपकी प्यार और मोहब्बत की वजह से हुआ है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं भी 200-300 सब्सक्राइबर गेन करूँगा। सो बहुत ही कम समय में हमने 200-250 के तकरीबन सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स भी आ रही है आप सभी लोगों की तरफ से। सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और सब्सक्राइबर और बड़ा हो जाएगा हमारा, फैमिली और भी बड़ा करने में मदद ज़रूर करिए। सो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। सो आज की वीडियो मैंने टाइटल बता दिया, पाकिस्तान में 10 ऐसे प्रोजेक्ट बन रहा है जो मेगा प्रोजेक्ट, जो उसके बाद से पाकिस्तान में भी अलग सा एक देखने का नज़रिया और एक अलग सा पहचान होने जा रहा है। सो उसके बाद में उसके वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है। सो उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने कुछ गूगल से डेटा निकाला। सो उसके बाद मैं बताऊंगा। सो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं। 3-2-1 स्टार्ट। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो पिछले 70 सालों से अपनी गुरबत में धंसा चला जा रहा है। एक पाकिस्तानी रुपी 1947 में 1 US डॉलर के इक्वल था और अब यूएस डॉलर वहीं पर है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 160 गुना कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें जो बहुत से पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इतने डेवलप्ड होकर भी हासिल नहीं कर सके, जो पाकिस्तान ने कर्जों के बोझ के बावजूद हासिल कर ली हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की 15वीं पावरफुल आर्मी। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो पाकिस्तान के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि इस वीडियो में दिखाए जाएंगे ऑथेंटिक और वेरीफाइड है, मतलब कि फेक नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, न्यू लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद लाहौर का एयरपोर्ट भी अपग्रेड होने के लिए तैयार है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट को 1962 में बनाया गया था। लेकिन अब इस एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड और अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड होने के बाद ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और इसके साथ ये एयरपोर्ट दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की रैंकिंग में शामिल हो जाएगा। अभी इस एयरपोर्ट की पार्किंग कैपेसिटी 11 एयरप्लेन्स हैं, लेकिन अपग्रेड होने के बाद इसकी पार्किंग कैपेसिटी 22 एयरप्लेन हो जाएगी। इस एयरपोर्ट की अपग्रेड पे 500 मिलियन यूएस डॉलर की कास्ट आएगी। अपग्रेड होने के बाद एक साल में 2.5 करोड़ पैसेंजर इस एयरपोर्ट से सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा 39 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस भी इंस्टॉल किए जाएंगे। नंबर 2, कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस नेटवर्क। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रो बस नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क में एक ही वक्त में 250 बसेस ऑपरेट करेंगी। पूरे कराची में ग्रीन लाइन नेटवर्क के 90+ स्टेशन होंगे और एक दिन में तकरीबन 500,000 पैसेंजर्स इन बसेज में सफ़र करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 600 मिलियन US डॉलर की कास्ट आएगी। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 113 किलोमीटर होगी। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, मतलब इन बसेज में से एक पेट्रोल इंजन कार से भी कम पोल्यूशन रिलीज होगा। इससे कराची में नॉइज, पोल्यूशन और डिस्टेंस सभी कम हो जाएंगे। नंबर 3, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम 40 एकड़ के लैंड एरिया पे बनाया जाएगा
और स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 50,000 सीट्स होगी। ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, जिस तरह के स्टेडियम आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखते हैं। ये स्टेडियम 2025 तक कंप्लीट होगा। नंबर 4, बहरिया आइकन टावर। इस बिल्डिंग की 90% कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ये 100% कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इस बिल्डिंग को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 2020 के मुताबिक ये बिल्डिंग पाकिस्तान की लार्जेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 60 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग की हाइट 260 मीटर यानी 850 फीट है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 163 मिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5, पाकिस्तान 10 बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका फायदा हर पाकिस्तानी को होगा। इस प्रोजेक्ट में 9 लाख एकड़ के एरिया पर ट्रीज लगाए जाएंगे और अब तक 70% ट्रीज लगाए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में स्कूल के बच्चों, टीचर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस और तकरीबन हर पाकिस्तानी सिटीजन ने गवर्नमेंट की हेल्प की थी। अगर ये दरख्त कायम रहे तो पाकिस्तान 2030 में कुछ इस तरह का होगा। नंबर 6, कायद आजम सोलर पार्क फेज 2। इस प्रोजेक्ट पर 300 मिलियन US डॉलर की कास्ट आएगी। इस प्रोजेक्ट में 8,45,000 सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एरिया 9 किलोमीटर होगा। इस प्रोजेक्ट से 2,560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होगा। नंबर 7, ऑरेंज लाइन नेटवर्क। वैसे तो मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 2016 में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये ट्रेन अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं हो पाई। इस प्रोजेक्ट पर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट आई थी। इस मेट्रो ट्रेन की सर्विस लेंथ 27.1 किलोमीटर है और इसमें 26 स्टेशंस हैं। इस मेट्रो ट्रेन से एक दिन में 3 लाख लोग सफ़र कर पाएंगे। इस नेटवर्क में 27 ट्रेन्स ऑपरेट करेंगी और इनकी ऑपरेशनल स्पीड 82 किलोमीटर पर और होगी। नंबर 8, दयामर भाषा डैम। 2013 के मुताबिक इस डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 14 बिलियन US डॉलर थी। इस डैम से 5,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस डैम की वाटर स्टोरेज 81 लाख एकड़ एरिया के बराबर है और ये डैम 2029 तक कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद ये डैम कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नंबर 9, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ये पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस स्मार्ट सिटी में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि पूरी वीडियो इनको बताने में ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कम्युनिटी क्लब, 18 होल गोल्फ कोर्स, बिगेस्ट मॉस्क, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, रेजिडेंशियल विलास, 3D मैक्स सिनेमा, 5-स्टार बुटीक होटल और इसके अलावा भी 100+ फैसिलिटीज़ हैं। नंबर 10, KPT टावर। यह टावर कराची में बनाया जाएगा। इसकी हाइट 593 मीटर्स यानी 1,946 फीट होगी। इस बिल्डिंग में 130 फ्लोर्स होंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन पर 5,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की कॉस्ट आएगी, लेकिन ये बिल्डिंग 2030 तक कंप्लीट होगी। बस ऐसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बताए गए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाले वीडियो था। बहुत ही खुश लगा मेरे को कि हालांकि इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान कुछ अच्छा और कुछ ज़बरदस्त करने का सोच रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से बताया गया है कि पिछले की जब 1947 जब इंडिया से इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम करेंसी वैल्यू डॉलर के बराबर था, सो अभी ये सिचुएशन डिफरेंट है। 160% गिर चुका है वहाँ की करेंसी वैल्यू। सो बहुत ही मुश्किल की सिचुएशन है अभी। टेक्सटाइल में कुछ अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान, हालांकि टेक्सटाइल में बांग्लादेश ही आगे है। वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। सो अभी के सिचुएशन के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ पुराना होते जाते रहे हैं, सो उसको अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इसी हिसाब से यहाँ पे लाहौर का जो एयरपोर्ट है 62 में जो बना था वो 11 प्लेन के ऑपरेट कर रहा था। सो अभी के बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते डेस्टिनेशन की वजह से भी इसको ऑपरेट करना ज़रूरी था। सो उसके बाद 22 प्लेन इसमें ऑपरेट करेंगे और 500 बिलियन के डॉलर का कॉस्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, नौकरियाँ तो मिलेगी, GDP में बहुत ही ग्रोथ होगा। सो दूसरा बताए कराची का जो ग्रीन लाइन बस का जो नेटवर्क बन रहा है वो 90 स्टेशन होगा और 24x7 ऑपरेट करेगा। 250,000 से भी ज़्यादा बसें इसमें ऑपरेट करेगा। सो पर डे 5 लाख के पॉपुलेशन को ये कैरी कर सकता है। सो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। 600 बिलियन US डॉलर का
प्रोजेक्ट है। सो इसका लेंथ क्या 113 किलोमीटर पर बताया गया है। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम भी बहुत ही 50,000 सीट कैपेसिटी वाली ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करके बना रहे ये स्टेडियम। इसका कॉस्ट तो हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया, 2025 तक ये कम्प्लीट होगा। सो ये भी बहुत ही एक प्लस पॉइंट है बांग्लादेश पाकिस्तान में कि आने वाले दिन में ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट होगा। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। सो दूसरा बन रहा है आइकॉनिक टावर बन रहा है। सो पाकिस्तान का लार्जेस्ट बिल्डिंग 60 फ्लोर का बन रहा है। सो ये 260 मीटर का है और इसमें $163 मिलियन का कॉस्ट आने वाली है। सो बहुत बड़ी रकम होती है ये, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सो ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। सो 10 बिलियन जो ट्री प्रोजेक्ट है, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हालांकि हम लोग डे बाय डे इतना पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, सो उसके बावजूद हम लोग उस को ध्यान नहीं दे रहे। सो आने वाले जनरेशन में ऐसा होगा कि पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा। सो इसकी वजह से 10 लाख बिलियन के प्रोजेक्ट ये जो ट्री है वो लोग लगा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये करना चाहिए। हालांकि किसी भी देश में हो, एक पौधे एक दिन में लगाना ही चाहिए। सो पॉपुलेशन के हिसाब से भी और पॉल्यूशन के हिसाब से भी हम लोग को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और दूसरा है ऑरेंज लाइन नेटवर्क लाहौर। सो ये मेट्रो प्रोजेक्ट है जो हालांकि 2016 में ये कम्प्लीट हुआ था। सो उसके बाद इसमें कुछ इशू आए थे, उसके बाद ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। सो ये $1.6 बिलियन में बना था। सो 26 स्टेशन है इसमें और 27 किलोमीटर की इसका जो लेंथ है और 3 लाख पैसेंजर ये एक दिन में रन कर सकता है। सो बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक मेट्रो नहीं था। सो 2016 के बाद ये मेट्रो प्रोजेक्ट आ गया और बंद भी चुका है, लेकिन अभी इसको चालू करना है। जो ये पहले मेट्रो है पाकिस्तान में, बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज लाइन मेट्रो नेटवर्क है। 80 किलोमीटर की स्पीड से यह चलेगा और जो बरसा डैम है, सो ये 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की क्षमता रखती है। ये $14 बिलियन की कॉस्ट है और ये 2029 तक रेडी हो जाएगा जो डैम बन रहा है, बरसा डैम। सो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करके जो स्मार्ट सिटी बन रहे कैपिटल में बन रहा है, इस्लामाबाद में बन रहा है। सो ऑल फैसिलिटी स्मार्ट सिटी में ऑब्वियसली फैसिलिटी बहुत सारी आती है। सो ये ऑल इंक्लूडेड करके बना रहे हैं। सो सबसे अंतिम और बहुत ही ज़बरदस्त केपीटी टावर। सो केपीटी टावर कराची में 553 मीटर की हाइट में बन रहा है, 130 फ्लोर वाले बिल्डिंग बन रहा है, जिसका कॉस्ट है 5,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपी में है और 2030 तक ये कंप्लीट होगा। जितने जितने प्रोजेक्ट हमने बताए गए उसमें मुझे एक तो जो ट्री का था और नेटवर्क मेट्रो प्रोजेक्ट और ये जो कराची टावर और स्टेडियम, ये चार मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगे। हालांकि सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने रोल कंप्लीट करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी था वहाँ पे ऐसे चीज़ बनना और इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग को नौकरियाँ भी मिलेंगी। ये सारे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बन के ख़त्म हो जाए और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मुझे लिंक भेजते रहे और देखते रहे हमारे चैनल। सो कैसा लगा वीडियो हमें जाके जरूर बताइए। सो मिलिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।